जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भारत के भौगोलिक संरचना में अभी तक हम लोगों ने हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है उसे पढ़ लिया है, मैदानी क्षेत्र पढ़ लिया, थार का मरुस्थल पढ़ लिया, पठार पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के किनारों पर, समुद्र के किनारों पर बसा हुआ समुद्र तटीय मैदानी क्षेत्र। ठीक, अब कुछ तो नाम से समझ में आ रहा है कि समुद्र तटीय मैदान यानी कि कोस्टल प्लेन्स, तो ये कहीं ना कहीं समुद्र के करीब होंगे। तो जैसा कि हम सभी आप जानते हैं कि भारत जो है गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक का जो हिस्सा है वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो आपका पश्चिम में हो गया अरब सागर, ठीक, और पूरब में हो गया बंगाल की खाड़ी। तो वेस्ट अरेबियन सी, ईस्ट बे ऑफ बंगाल, तो ये चीज़ हमारा क्लियर है, और साउथ में हिंद महासागर। चलिए आगे चलते हैं। समुद्र तटीय मैदान, मैदान का मतलब हमारा क्लियर है, सपा चट एकदम प्लेन, कोई भी ऊपर या नीचे का चक्कर ही नहीं है, एकदम सपाट। चलिए पहले हम समझते हैं कि कोस्टल प्लेन्स हमारे वेस्टर्न साइड का थोड़ा सा, इसको हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। वेस्टर्न साइड में हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कैसे हैं? वो लगातार हैं, बहुत दूर दूर नहीं हैं, लगातार वेस्टर्न घाट्स जो है बने हुए हैं। वहीं ईस्टर्न घाट्स जो हैं थोड़ा दूरी दूरी पर बने हुए हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि वेस्टर्न घाट्स क्रम से हैं, लगातार हैं, बहुत कम जगह छोड़ा है उन्होंने। वहीं वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स में काफ़ी स्पेस दिया गया है। वेस्टर्न घाट ज़्यादा ऊँचे हैं और ईस्टर्न घाट थोड़ा कम है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेस्टर्न घाट की तरफ के समुद्र तटीय मैदान को। अब समुद्र तटीय मैदान में हम क्या समझेंगे? वेस्टर्न घाट और समुद्र तट के बीच का जो हिस्सा है, यानी कि ये जो हिस्सा है, ये देख रहे हैं आप, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये है मैदानी क्षेत्र, ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक, तो वेस्टर्न घाट और अरब सागर के बीच का जो मैदान है उसे समुद्र तट किस तरफ का कहते हैं? पश्चिम की तरफ का कहते हैं, यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। मगर इसका कई खंडों में विभाजन किया गया है, अलग अलग इसको डिवाइड किया गया है, सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, तीन खंडों में इसे बांटा गया है, वो हम समझते हैं पहले। पहला है मुंबई से लेकर गोवा तक का हिस्सा। मुंबई से लेकर गोवा तक का जो हिस्सा है आपका, जो ये क्षेत्र है, ठीक, मुंबई से गोवा तक के जो हिस्से हैं इसे हम कहते हैं कोंकण प्लेन्स, यानी कि कोंकण का मैदानी क्षेत्र, कोंकण प्लेन्स। तो मुंबई और गोवा के मध्य का हिस्सा क्या कहते हैं? कोंकण प्लेन्स। ठीक, अब गोवा से लेकर ये जो कर्नाटक का हिस्सा है, गोवा से कर्नाटक तक का हिस्सा, आप लोगों ने फिल्म भी देखे होंगे, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया, चेन्नई एक्सप्रेस आया था, ये सारे जो एरियाज़ हैं बहुत ही रमणीय हैं, सीनरी है, ग्रीनरी है। आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ का जो वाटरफॉल है, ये सब चीज़ें हैं, वो सब देखने लायक हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मुंबई से गोवा कोंकण, गोवा से लेकर कर्नाटक तक का हिस्सा, गोवा से लेकर कर्नाटक तक का जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं कन्नड़ प्लेन्स। ठीक है, कन्नड़ प्लेन्स। अब ये कन्नड़ प्लेन है, अब इसका नाम कन्नड़ क्यों है? क्योंकि कर्नाटका में जो भाषा बोली जाती है वो कन्नड़ बोली जाती है, इसीलिए गोवा और कर्नाटका के बीच के हिस्से को क्या कहते हैं? कन्नड़ प्लेन्स। ठीक, और कर्नाटका के इस हिस्से से लेकर कन्याकुमारी तक के पॉइंट तक का जो हिस्सा है, यानी कि नीचे का जो हिस्सा है,
इसे हम कहते हैं मालाबार, मालाबार, मालाबार के मैदान। आशा है यहाँ तक कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार फिर से देख लीजिए आप सब। अभी हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न घाट और अरब सागर के मध्य का हिस्सा, वेस्टर्न घाट और अरब सागर के मध्य। एक नैरो, बहुत ही सकरा है, बहुत कम जगह यहाँ बचा है, बहुत कम जगह। ये क्योंकि जो ये घाटी है, ये जो घाट है, ये बहुत नज़दीक है और लगातार क्रम से है, ऊँचे हैं। यहाँ पर बहुत कम जगह मिला हुआ है, बहुत कम जगह मिला हुआ है। और दूसरी चीज़, ये ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ पर इस तरफ बहुत कम नदियाँ हैं, इस तरफ बहुत कम नदियाँ हैं। तो जैसे जो नदियाँ, अगर कोई स्रोत यहाँ पर है भी, तो वो तुरंत निकलती हैं और सागर में, अरब सागर में समा जाती हैं, ठीक है। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा इनको डेल्टा बनने की ज़रूरत नहीं होती, बना नहीं पाते ये, क्योंकि कारण ये है कि इनके पास जगह ही उतना नहीं कि ये डेल्टा बना पाएँ, बस निकले और तुरंत अरब सागर में मिल गए। तो ये सीधे सीधे ड्रेन कर जाते हैं अरब सागर में। तो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो बहुत छोटी हैं और उनका उद्गम स्थल और समापन बहुत नज़दीक है। मगर जो दो नदियाँ हैं वो कौन सी नदियाँ थी? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जो गुजरात से होकर जाके मिल जाती हैं, यही दो नदियाँ मुख्य हैं जो अरब सागर में जाकर मिलती हैं। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आया होगा। एक बार वापस से देख लीजिए कि वेस्टर्न घाट और अरब सागर के बीच का जो कोस्टल प्लेन्स हैं, उसे हम तीन खंडों में विभाजित करते हैं, मुंबई से गोवा, कोंकण कोस्ट, गोवा से कर्नाटक, कन्नड़ प्लेन्स यानी कन्नड़ के मैदानी क्षेत्र, और कर्नाटका से लेकर कन्याकुमारी तक के हिस्से को हम कहते हैं मालाबार, ठीक है। अब हम आते हैं ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, यानी कि अब आप देखिए यहाँ पर कितना जगह दिख रहा है, ये आप देख कर ही समझ सकते हैं कि यहाँ का स्पेस जो है वो ज़्यादा है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि पश्चिम जो तट है और पूर्वी तट, पश्चिम तट में क्या दिक्कत है? बहुत ही नैरो है, बहुत कम जगह दिया है। और वहीं आपका जो ईस्टर्न तट है वो बहुत वाइड है, बहुत चौड़ा है, जगह दिया हुआ है। इस तरफ बहुत कम नदियां हैं, सीधे सागर से मिलती हैं, सीधे सागर से मिलती हैं। वहीं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो स्पेस दिया है, तो तमाम नदियां हैं यहाँ पर जो ईस्टर्न कोस्ट में आके मिलती है, महानदी, ठीक ना, और कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये तमाम नदियां जो हैं वो आपके ईस्ट साइड में फ़्लो करती हैं। हम लोग पहले भी ये चीज़ जाने कि इसका स्लोप जो है, वेस्टर्न घाट का जो स्लोप है वो ईस्टर्न साइड में है, जिसके कारण प्रमुख नदियां जो हैं ईस्ट की तरफ बहती हैं। यानी कि इनको कहीं ना कहीं ज़्यादा जगह मिलता है, और जब ज़्यादा जगह मिलता है और ये स्पेस जो मिलता है इनको, वाइडर स्पेस, ईस्टर्न घाट और समुद्र के मिलाप के बीच का जो हिस्सा होता है वो काफ़ी वाइड है। वाइड होने के कारण ये नदियाँ जब जाती हैं तो ये फैल जाती हैं, इनकी कई धाराएँ निकल आती हैं। जैसे नदी है तो उसकी कई धाराएँ निकल जाती हैं, तो सेम उसी तरीके से ये कई सारी धाराएँ अपनी बना लेती हैं। तो ये जो धाराएँ बनाती हैं, इससे होता क्या है, डेल्टा बनता है। यहाँ डेल्टास काफ़ी बनते हैं, इस जगह पर डेल्टास काफ़ी बनते हैं। अब जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये तमाम नदियाँ जो हैं अपना डेल्टास बनाती हैं, जबकि दूसरी तरफ वेस्टर्न साइड में जो नदियां हैं वो सीधे सीधे अरब सागर में समा जाती हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। इसके अलावा आगे देखेंगे हम लोग कि आप जो भी अभी तक का सिस्टम यहाँ जो देख रहे हैं, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में सबसे बड़ी जो चीज़ है, ध्यान देने वाली बात वो यही है कि वेस्टर्न घाट अरब सागर के बेहद करीब है, बहुत कम स्पेस देता है, जिसके कारण यहाँ का कोस्टल लाइन बहुत नैरो है, बहुत सकरा है, कम है। वहीं जो ईस्टर्न घाट है वो थोड़ा सा ज़्यादा जगह देता है, और घाट भी जो है, जो पहाड़ियाँ हैं वो थोड़ी सी दूरी दूरी पर हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो यहाँ आप देखते हैं, यहाँ तो तीन हिस्सा हुआ था, यहाँ थ्री सेक्शन थे। पश्चिमी तट पर तीन हिस्से हैं, कोंकण, उसके बाद आपका हो गया कन्नड़ और मालाबार,
वहीं वेस्टर्न घाट के दो हिस्से किए गए हैं, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक का एक हिस्सा जिसको कहते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, और उसके ऊपर का, उसके यानी कि तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से लेकर, यहाँ मैं लिख देता हूँ तमिलनाडु TN, AP और OR यानी कि ओडिशा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कितने विभाजन हुए हैं आपके, दो विभाजन, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ओडिशा। ओडिशा का जो हिस्सा है उसे कहते हैं नॉर्दर्न सिरकर, नॉर्दर्न सिरकर। तो यहाँ पर केवल दो हिस्से होते हैं, एक हो गया कोरोमंडल और दूसरा हो गया नॉर्दर्न सिरकर। नॉर्दर्न सिरकर और कोरोमंडल मात्र दो सेक्शन में भागा, विभाजित किया गया है, भाग किया गया है ईस्टर्न कोस्ट को। बेसिक चीज़ें जो याद करने वाली चीज़ है यहाँ पर वो क्या है कि वेस्टर्न कोस्ट नैरो है, सकरा है, कम जगह है, ईस्टर्न कोस्ट वाइड है, काफ़ी जगह दिया गया है। वेस्टर्न में यानी कि पश्चिम तट पर सागर से नदियाँ सीधे मिल जाती हैं बिना कोई और अपने शाखाएँ फैलाए या डेल्टा बनाए, वहीं यहाँ पर ज़्यादा जगह होने के कारण यहाँ नदियाँ प्रवाह में चलती हैं और कई सारी शाखाएँ खोल के उस कारण डेल्टा जो है दलदलीय क्षेत्र भी निर्माण करते हैं। यहाँ पर तीन हिस्से में बांटा गया है ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट को, कोंकण, कन्नड़ और मलाबार। वहीं ईस्टर्न कोस्ट को दो हिस्सों में बांटा गया है, कोरोमंडल और नॉर्दर्न सिरकर। तो ये चीज़ें हैं आपका भारत के समुद्र तटीय मैदान के बारे में। ये उड़ीसा में, उड़ीसा में एक चीज़ और है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सॉल्ट लेक यानी कि सबसे खारा पानी पाया जाने वाला झील जो है वो उड़ीसा में है, जिसका नाम है चिल्का लेक। चिल्का लेक जो है भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील है, ठीक है, और वो कहाँ है, उड़ीसा में है, आपके उड़ीसा में, द लार्जेस्ट सॉल्ट लेक ऑफ इंडिया चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है। आशा है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इसमें क्या मुख्य है, क्या चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे भारत का सबसे आखिरी भौगोलिक संरचना जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है द्वीप समूह यानी कि आइलैंड्स। तब तक के लिए जय हिंद।